मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो, मोदी सरकार धिक्कार असो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, धिक्कार असो, धिक्कार असो। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है देश में या जिस तरीके से यहां पे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, उसका असर आम लोगों पे पड़ रहा है, एक लोगों की जेब पे पड़ रहा है। उसी को लेकर आज यहां पे थाना ज़िला क्या पूरे महाराष्ट्र में यहां पर पेट्रोल डीजल के खिलाफ यहां पे आंदोलन किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और आज मुमरा शहर में मुमरा शाखा में भी आज यहां पे इसका आंदोलन किया गया। इस बारे में यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक और टीएमटी मेंबर बालाजी काकड़े से जानते कि इस आंदोलन करने का उनका क्या कारण है। वहीं सह संगठक कलवा मुमरा के शादाब शेख से जानते हैं कि केंद्र शासन मोदी सरकार इन लोगों को ठीक तरह से जीने नहीं दे रहा है। आज देखने जाओ आप, 100 रुपये के आगे पेट्रोल का भाव चला गया है, घर के सिलेंडर गैस का भाव बढ़ गया है, शेतकरी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, दिन ब दिन लोग मरते जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, यहाँ का वैक्सीन प्रदेश भेज दिया जा रहा है, तो इसलिए ये सरकार का निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इस तरीके का आंदोलन और कहाँ कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब इनके नेतृत्व में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रही है। और डीजल का रेट आसमान छू रहा है, 101 रुपया क्रॉस होने जा रहा है पेट्रोल का दाम। अब ये गरीब जनता, गैस का भी दाम देखो, गैस का दाम 900 रुपये के ऊपर जा रहा है। गरीब जनता अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगी? ये केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार क्या है, गरीबों का खून चूसने के लिए बनी है? जनता की ओर से बनी है, जनता की सेवा करने के लिए बनी है कि गरीबों को खून चूसने के लिए बनी है? इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल गैस की ये महंगाई है, यातायात का सब किराया भी बढ़ गया है, महंगाई इतनी इस कदर है कि लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? एक ही गरीब का एक ही रास्ता है कि सुसाइड कर ले। ये सरकार सबको मारना चाहती है। 6 महीने से ऊपर हो गया किसान आंदोलन का, 11 बार मीटिंग कर क्या फ़ायदा हुआ? गरीबों को मारने के लिए ये पूंजीपतियों की सरकार है। भाई आपको पता है क्या, काफ़ी टाइम से 1-1.5 साल हो गया जो लॉकडाउन का पीरियड चालू है, लॉकडाउन के पीरियड में लोग वैसे ही परेशान है। ऊपर से जब ये मोदी सरकार को हर चीज़ों के भाव कम करना चाहिए तो ये भाव बढ़ाते जा रही है और लोगों को और दिक्कतों में डालते जा रही है। हालांकि अभी एक केंद्र सरकार का जो काम है ये लोगों की मदद करना और स्टेट को देखना, लेकिन ये जो सरकार है ये सिर्फ अपना पेट देख रही है। जहाँ तक आपको पता है कि इस महंगाई के माहौल में, इस लॉकडाउन के माहौल में सरकार को, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि भाव कम करे और लोगों को सुविधा दे, पर ये सरकार लोगों का खून चूसने पे पड़ी है। ये हर दिन पे दिन भाव को बढ़ाते जाती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।